नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। रामपुर में हिंदुओं की आस्था पर बड़ा हमला करते हुए अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में मंदिर में पुजारी को बंधक बनाकर मूर्तियों को खंडित किया। इसके साथ ही जो भी आसपास की मूर्तियां थी उन्हें भी तोड़ा। मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की, बिजली की तारें भी तोड़ दी और बड़ी घटना को अंजाम दिया। घटना कोतवाली स्वरा क्षेत्र घोसीपुर पट्टी के कोसी मंदिर की है, जहां पर ये पूरी वारदात हुई। सूचना पर रामपुर कोतवाली स्वरा पुलिस पहुंची, मौके पर जांच पड़ताल की जा रही है। कुशीनगर के अंतर्गत वर्तमान परिसमन में क्षेत्र पंचायत संख्या 102 के परिसमन में गड़बड़ी को लेकर जिलाधिकारी ने जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि वर्ष 2015 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मर्दवान क्षेत्र पंचायत सदस्य संख्या 102, विकासखंड पडरौना का क्षेत्र पंचायत सदस्य संख्या 131 था, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत रहसू खुदरा के पंचायत सदस्य वार्ड 1 से लेकर वार्ड 11 तक शामिल किए गए थे और एक ही ग्राम पंचायत में एक क्षेत्र पंचायत का गठन किया गया था। हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले बलिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने फिर एक बार बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हुए कमेंट पर अपना नया कमेंट देते हुए न केवल तंज कसा बल्कि कहा कि बंगाली भाषा में खेला होबे का मतलब होता है कुछ साजिश करें या विचित्र घटना घट जाए। राजनीति में खेला और रेला का सवाल ही है। बताया, राजनीति के 3-4 ही स्वरूप होते हैं, खेला होबे, रेला होबे, रैली होबे। अभी तो ममता बनर्जी एक ही भाषा बोल रही हैं, खेला होबे, लेकिन भाजपा की तरफ से तीनों होगा, खेला होबे, रेला होबे, रैली होबे। उसके बाद ममता बनर्जी का सब ठीक ठाक हो जाएगा। अस्थाई जेल में खाकी एक बार फिर से बेलगाम हुई है। बखाखेड़ा अस्थाई जेल में पुलिस की खुलेआम गुंडई देखने के लिए मिली। वारंटी युवक को अस्थाई जेल में आधा दर्जन पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पीटा। सफाई कराने को लेकर आधा दर्जन पुलिसकर्मियों ने युवक को जमकर पीटा और पीट पीट कर अधमरा कर दिया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीलीभीत में चोरों के हौसले बुलंद हैं। जनसेवा केंद्र से चोरों ने हजारों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। लैपटॉप, प्रिंटर आदि की चोरी कर चोर वहां से फरार हो गए। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। थाना जहानाबाद इलाके के कंजनाथ पट्टी अड्डे की यह घटना। जंगल में भटककर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा बारासिंगा। गांव के कुत्तों ने बारासिंगों को दौड़ाया कुएं में, जिसके बाद बारासिंगा जा गिरा। कुएं के अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रहे बारासिंगा को 7 घंटे बाद पहुंचे वनकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। समनपुर थाना क्षेत्र के बलुआ बहादुरपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ललितपुर में नाबालिग किशोरी के साथ घर में घुसकर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। किशोरी ने गांव के युवक पर गंभीर आरोप लगाया। परिजन की शिकायत पर संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। वहीं त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना जखलौन क्षेत्र का ही पूरा मामला। कुशीनगर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। नशे का इंजेक्शन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लगभग 20 घंटे तक बंधक बनाकर पीड़िता को रखा गया। वहीं पीड़िता के परिजनों ने नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया है और जांच की बात कह रही है। दिनदहाड़े मिनी पटाखे की फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से काम कर रहे 5 कारीगरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 कारीगरों ने छत से कूद कर बामुश्किल अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंचे अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाते हुए शवों को कमरे से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया है, जबकि पुलिस ने फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया। पीलीभीत में गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। आग से सैकड़ों बीघा गेहूं जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने दमकल विभाग को सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना के बाद भी मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने के लिए मिला। तहसील अमरिया क्षेत्र के परेविया वैश्य गांव का ही पूरा मामला। अलीगढ़ में जीआरपी ने दिल्ली से लखनऊ जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों से अवैध वसूली करते हुए फर्जी टीटी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जेएनयू से एमफिल कर चुका है। जीआरपी आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई में जुटी है। मेरठ के चौथा थाना क्षेत्र के बहरौड़ा मोड़ पर बने मुर्गी फार्म में बुधवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए के मुर्गी और अन्य सामान जलकर राख हो गए। सुबह जब फार्म स्वामी फार्म पर पहुंचा तो फार्म में धुआं निकल रहा था, लेकिन जब तक लाखों की कीमत के मुर्गी और अन्य सामान जलकर राख हो चुका था। और इसी के साथ यूपी की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।